टैक्सी चलाते हैं? हाँ, हम भी टैक्सी चलाते हैं। ये बताइए कि इतना आप कमा लेते हैं कि ठीक ठाक सब हो जाता है? ठीक ठाक कहाँ हो रहा, भाड़ा उड़ा हो ही नहीं रहा, तेल का दाम इतना बढ़ गया है। खेला होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। ये मोदी, ये ममता, पकड़िए पकड़िए, तो छू छू लीजिए धीरे से, धीरे से, धीरे से। चलो कान में बता दो। वो एकदम सही सही है, एकदम सही सही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कावेंद्र, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता के मुकंदापुर बाजार में। कोलकाता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हेरिटेज की बड़ी बात होती है, क्योंकि आज भी यहाँ पर पुराने ज़माने की 80s 90s की चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से मनोज तिवारी ने रिक्शा पुलर जो थे, जो हाथों से आज भी रिक्शा खींचते हैं, उनसे बातचीत की और उनका हाल जाना। ऐसे ही ये येल्लो टैक्सी जो है आज भी कोलकाता की शान बढ़ाती है। येल्लो टैक्सी आज भी आपको कोलकाता में दिख जाएंगी, जो यकीनन आपको महानगरों में शायद ना दिखे। दिल्ली, महाराष्ट्र में ऐसी जगहों पर ये टैक्सी नहीं दिखती, लेकिन कोलकाता में देखिए इसी तरह की टैक्सी आज भी दिखती है। हेरिटेज है, आज भी लोग देखते हैं इन तरीके की टैक्सी को जो पहले चला करती थी एम्बेसडर गाड़ियाँ। आज के ज़माने में जब ओला उबर जैसी टैक्सियाँ आम हो चुकी हैं, उस ज़माने में इस तरह की टैक्सी चलाने में भाड़ा तो अधिक लगता ही होगा, लेकिन किस तरीके से ये आज भी अपनी धरोहर को सजो के चल रहे हैं उस पर बात करते हैं। क्योंकि देखिए, बात शुरू करने से पहले आपको एक बात बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं इलेक्शन कवर करने, लेकिन इलेक्शन कवर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि कौन जीत रहा है या कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है। इसके अलावा एक नागरिक का, एक नागरिक से जो रिश्ता है वो भी बेहतर बनना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, ये कोलकाता है, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। ये टैक्सी आपकी है? हाँ, हमको ही है, चलाने का मालिक है। अच्छा, आपने ले रखी है। ये बताइएगा इस टैक्सी में भाड़ा कितना जाता है? जो बाकी टैक्सियाँ होती हैं ओला उबर, जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, हर महानगर में बड़ी बड़ी वो ओला उबर ही दिखती हैं, ये हमको सिर्फ कोलकाता में दिखी, इसमें भाड़ा अधिक आता है? ये तो ये पीला गाड़ी का भाड़ा नहीं होता है, उसका ड्राइवर किलोमीटर चल रहा है, तेल का दाम बढ़ गया, मालिक को पैसे नहीं देता है, 100 रुपया 150 रुपया का ये 25 देना होगा, अपना भाई 100 रुपया बचता है, ट्रांसपोर्ट का ख़त्म हो गया, वो कागज़ का पैसा बाहर कर दिया, इंश्योरेंस बढ़ा दिया। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आपने बताया कि मालिक को भी देना पड़ता है डेली, तो अब जैसे कि तेल के दाम बढ़ गए, तो तेल के दाम बढ़ने के बाद आपको कैसी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है, भाड़ा नहीं हो रहा है गाड़ी। भाड़ा कम किया कि तेल का दाम बढ़ गया तो हम भाड़ा कम कर? नहीं नहीं नहीं, भाड़ा उतना ही लग रहा है। उतना ही है, भाड़ा कम नहीं है और भाड़ा ज़्यादा भी नहीं है। आप भी इन्हीं के साथ हैं? अच्छा, ठीक है। ये बताइएगा कि जैसे कि किसी सरकार ने कभी आप लोगों के लिए कुछ सोचा, आप लोगों की कोई मदद करने की कोशिश की? किसी सोचा? कोई नहीं सोचा, कोई जनता नहीं सोचा। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। आप बिहार से आए हैं, कितने साल पहले आए थे आप? हम 92 में आए, तब से यहीं पर हैं। तब से यहाँ पर क्या टैक्सी चला रहे हैं और भी मतलब कुछ काम? नहीं, टैक्सी चला रहे हैं। टैक्सी चला रहे हैं, तो 92 में जब ये टैक्सियाँ चलती थी, आज तो टैक्सियाँ बंद हो गई हर जगह। एम्बेसडर ठीक था उस टाइम में, अच्छा था, आदमी जी खा लेता था। भैया बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, उनसे पहले एक बात ले लेता हूँ जरा। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, नहीं जाइए मत, मुस्कुरा रहे हैं। ये बताइएगा, आप भी टैक्सी चलाते हैं? हाँ, हम भी टैक्सी चलाते हैं। ये बताइए कि इतना आप कमा लेते हैं कि ठीक ठाक सब हो जाता है? वो ठीक ठाक कहाँ हो रहा, भाड़ा उड़ा हो ही नहीं रहा, तेल का दाम इतना बढ़ गया है। आपको पता है कि इस राज्य में इस समय चुनाव चल रहे हैं, और चुनाव के वक्त तो सुना है कि सबकी चांदी होती है, आपके लिए कोई फायदे वाली बात कही? देखिए, नेता क्या करते हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे, सबको वादे देते हैं। आपको कोई वादा दिया आप लोगों को, टैक्सी वालों को? नहीं, कुछ नहीं दिया हम लोग, हम लोग का क्या दिया, तेल का दाम इतना हाई हो गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशानी किस वजह से, मुद्दा बताइए कि इस मुद्दे पर अगर कंट्रोल हो जाए, इस मुद्दे में अगर कुछ तब्दीली होती है तो हमको फ़ायदा होगा, क्या है आपका मुद्दा, क्या है? तेल का दाम कम होना चाहिए। तेल का दाम कम होना चाहिए, तेल का दाम कम हो जाएगा तो सारी परेशानियाँ सॉल्व, ख़त्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइएगा कि यहाँ पर जैसे कि अभी सत्ता में जो आसीन है वो ममता बनर्जी जी हैं, ममता बनर्जी जी ने कभी आपसे बातचीत की, आपकी उनके पार्टी के किसी नेता ने, विधायक ने, किसी ने भी? पार्टी नहीं नहीं करेगा, हमको जैसा होगा ऐसा ही चल रहा है, खाने का पैसा होगा, हम घर चलाएगा बस, और क्या, हमको पार्टी नहीं कलर चाहिए। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर दिखा सकते हैं कि आज भी कैसा सिस्टम है इस गाड़ी के अंदर? देखिए, जो बाकी जो आज की आधुनिक गाड़ियाँ मॉडर्न जैसे कि हम देखते हैं जो इंडिका वैगनार, उससे थोड़ा सा अलग है। देखिए, आज भी ये सिस्टम है, ओनली डिस्प्ले फेयर, ये सब चीज़ें हैं इस गाड़ी में। आज भी ये जो येल्लो गाड़ी है वो कोलकाता की शान बढ़ाती है, आज भी ये गाड़ी कोलकाता में चलती है। और इस गाड़ी के ये जो है, इस गाड़ी को चलाते हैं भाई साहब,
तो बिल्कुल पूरे कलकत्ता में यही गाड़ी चल रही है। लेकिन ये है कि ये गाड़ी जो है पुराने ज़माने में चलती थी, आज के ज़माने में तो चीज़ें बड़ी काफ़ी सस्ती हो गई, क्योंकि उस बात को मानते हैं ना आप कि आज के ज़माने में जिस तरीके से चीज़ें जो सस्ती हो गई है, उस ज़माने में भी इस गाड़ी को चलाना कितना मुश्किल होगा। उस ज़माने में तेल बहुत सस्ता था, सस्ता था, भाड़ा भी बहुत, गाड़ी कम थी तो भाड़ा अच्छा होता था, जहाँ पे जाता था डाउन भाड़ा मिल जाता था। अभी जिस जगह जाता है, अभी नेट का ज़माना आ गया, जिस जगह जाता है घर से गाड़ी बुला लेता है, तो एंबेसडर को कोई पूछता नहीं है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। अगर लेकर जाता है 200 रुपये भाड़ा लेकर जाता है, तो उधर से खाली अगर आ जाता है तो उसका तेल उसी में चले जाता, उसको कुछ मिलता नहीं है। बिल्कुल कुछ मिलता नहीं, क्योंकि देखिए तेल बहुत ज़्यादा पीती है, क्योंकि उस ज़माने में तो तेल सस्ता हुआ करता था। एक और भाई साहब, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइएगा, अरे थोड़ी सी बात कर लीजिए चाचा, ये बताइए इस गाड़ी को आप चलाते हैं कितना कुछ हो जाता है, हिसाब किताब सही बैठ जाता है? नहीं नहीं नहीं, जब से तेल का दाम बच गया एक ठो तो पैसा बचता ही नहीं, एक ठो को पैसा नहीं बचता। ये बताइए, देखिए जब दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, बड़े बड़े शहर हुए, लखनऊ हुआ, यहाँ पर क्या है कि ओला उबर वो ऑनलाइन बुकिंग आपने सुना होगा ना, ऑनलाइन इसका है कुछ ऑनलाइन बुकिंग का हिसाब? नहीं नहीं नहीं, आज भी ऑनलाइन नहीं है। नहीं, तो ओला उबर वाले इधर आए हैं, ओला उबर चलती है इधर, तो उससे आपको कोई परेशानी ओला उबर के आने से? आपके बहुत परेशानी हो गया है, बहुत परेशानी है, तो वो लोग नहीं था तो हम लोग तो भाड़ा मार नहीं सकते थे, इतना भाड़ा, अभी तो भाड़ा एकदम ठप हो गया। अच्छा, ओला उबर के आने से आपको कंपटीशन मिला और उस वजह से परेशानियां बढ़ गई है? बहुत बहुत, ना तो हम लोग एलो टैक्सी कम से कम 80,000 था, अभी कम से कम नहीं होता 10,000 पर आ गया, 20,000। जो कोलकाता के लिए कहा जाता है कि अब हेरिटेज है, आज भी हम देखते हैं हाथों से रिक्शा चला रहे हैं लोग, ये येलो टैक्सी यही देखने को मिलती है, तो ऐसे अगर नए लोग आ जाएंगे तो फिर यहाँ का जो हेरिटेज वो तो बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 80,000 से ज्यादा था येलो टैक्सी, 80,000 से ज्यादा था, अब कितना बचा? अभी कम से कम 20,000 बचा है, ऐसे तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया, इसका 15 साल हो जाएगा, आपको चलने नहीं देगा, बंद हो गया इसका कंपनी, हिंद मोटर बंद हो। पता है आपको, लोग जब कोलकाता की बात करते हैं तो देखने आते हैं हावड़ा ब्रिज, हाथ से रिक्शा चला रहा है, लाइब्रेरी देखते हैं, येलो टैक्सी भी देखते हैं आज भी। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो खत्म होता जा रहा है, इससे तो फिर कोलकाता की जो एक शान है जो आज खत्म हो जाएगा, शान खत्म हो गया, शान आस्ते आस्ते खत्म हो गया, खत्म हो गया। कोई सरकार कभी बात नहीं करती आपसे कि ड्राइवरों के लिए क्या करना चाहिए, आप लोगों की मदद करनी चाहिए? कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं, कुछ नहीं। टैक्सी के लिए तो और नहीं कुछ बोलता है, हफ्ता भर एक बार बंदी करके रखा था, सुध में बढ़ावे नहीं किया भाड़ा। अच्छा, अब चलो थोड़ी राजनीतिक बात भी कर लेते हैं। ये बताइएगा, चुनाव है, चुनाव है तो दो लोगों के बीच होगा, दो में से एक को चुनना होगा, आपका मन किस तरफ भाग रहा है? किसी का तरफ नहीं चाहिए, हम कोई भी जीतेगा तो हमको खट के खाने, जहाँ इच्छा होगी वोट दे देगा आखिरी पल पर। हाँ, और क्या करेगा। माहौल क्या लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है, माहौल ठीक ठाक है। दीदी तो कह रही है खेला होगा, और मोदी जी, और मोदी कह रहे हैं परिवर्तन होगा। खेला तो हो ही रहा है, खेला होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। बड़ी दिलचस्प बात है कि इंसान क्या कर रहा है, देखिए बड़ा पर्सनल बात कर रहा हूँ आपसे, इंसान क्या कर रहा है, खेला हुए तो बोल दे रहा है, अब धीरे से फिर बोल दे रहा परिवर्तन होगा। तो हम पत्रकार बड़े परेशान हैं जो दिल्ली से आए, हमें समझ में नहीं आ रहा कि मन में क्या है, यहाँ क्या छिपा है। मन सब आदमी का ठीक ठाक है, सब आदमी का ठीक, एकदम ठीक ठाक है। जो आदमी ज्यादा मुस्कुराता है उसका हम समझ जाते हैं वो कहना क्या चाहता है। वो सब कह दिया, कह दिया, इशारों 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 में कह। अच्छा, ये बताइएगा, ये मोदी जी, ये ममता दीदी, पकड़िए, ये मोदी, ये ममता, पकड़िए पकड़िए, तो छू छू लीजिए धीरे से, धीरे से, धीरे से, चलो कान में बता दो। वो एकदम सही सही है, एकदम सही सही है, चलो सीधे सीधे इशारों में तो समझा ही दिया कि परिवर्तन होगा। खैर, ये देखिए, ये येलो टैक्सियां हैं जिनसे हम बात कर रहे थे अभी, भैया ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी हमारे साथ भाई लोग मौजूद हैं। ये देखिए, ये सारी जो है ये येलो टैक्सियां हैं जो आज भी कोलकाता में, सिर्फ कोलकाता में ही, फिलहाल आपको बताऊं, हम जब 90s की जब मूवी देखते हैं, जब अंडरवर्ल्ड, महाराष्ट्र, मुंबई, जब वहाँ की मूवीज़ देखते हैं, तो उन पुरानी मूवीज़ में ये गाड़ियाँ दिखती हैं, और ये गाड़ियाँ देखने में बिल्कुल अलग लगती हैं, आप इनको देखेंगे तो आपकी आँखें ठहर जाएंगी। तो ऐसे में कोलकाता में ये गाड़ियाँ आज भी चलती हैं, आज भी यहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स चलाते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि ये चीज़, ये जो यहाँ की जो हेरिटेज बोलूँगा, इसको एंटिक बोलूँगा, जो ये चीज़ थी, ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि आधुनिक समय में पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़े, डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़े, उससे इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ ओला उबर ऐसे जब खिलाड़ी जब मार्केट में आ गए हैं, तो उससे इनको एक मजबूत टक्कर मिल रही है, जिससे ये कहीं ना कहीं येल्लो टैक्सी जो है वो विलुप्त होने की कगार पर है।
लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा कि किस तरीके से जो खेला हुए वो डंके की चोट पे बोला जाता है, लेकिन परिवर्तन हुए दबी जवान में इंसान बोल जाता है, और ये बहुत कुछ बताता है। इसको समझिएगा, साइलेंट वोटर जो है दरअसल इसी को कहते हैं, इसी की निशानी है जिसकी रवानगी अभी अभी हमने आपको दिखाई। तो आप ऐसी मज़ेदार वीडियोस के लिए और मज़ेदार खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, और पूरा कोलकाता एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, पूरा कलकत्ता एक्सप्लोर कर आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि आखिर यहाँ कौन कौन से राज छिपे हुए हैं। तब तक लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।